अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू जावेद पब्लिशर। वी आर डिस्कसिंग किड साइंस ग्रेड 5 चैप्टर नंबर 3। द टॉपिक इज़ प्लांट्स एंड सीड्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पेज नंबर 23। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स टू फ्लावर्स। व्हेन द पोलन ग्रेन्स रीचेस द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ अ फ्लावर ड्यू टू पोलिनेशन इट जर्मिनेट्स देयर। जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा ऑफ कार्पल में पहुंच जाती हैं, यहाँ पे पोलिनेशन का प्रोसेस ड्यू टू पोलिनेशन जो है वो पहुंचती हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है, और क्या है कि जो टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली जर्मिनेशन जो है वो नहीं स्टार्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जर्मिनेशन इट फॉर्म्स अ थिन ट्यूब इन द स्टाइल ऑफ कार्पल। दिस थिन ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन के रिजल्ट में होता क्या है कि थिन ट्यूब जो है वो फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। हम इस थिन ट्यूब को पोलन ट्यूब का नाम देते हैं। पेज नंबर 26 पे अगर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन्स भी नज़र आ रहे होंगे, और ये बहुत बारीक सी ट्यूब है जिसे हम पोलन ट्यूब का नाम दे रहे हैं। दिस पोलन ट्यूब पासेस थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टाइल से स्टार्ट होती है, और ये कहाँ तक जाती है, ये ओवरी तक जाती है। देन इट एंटर्स द ओव्यूल इन द ओवरी। उसके बाद ये कहाँ पे एंटर हो जाती है, उसके बाद ये ओव्यूल में एंटर हो जाती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म द जाइगोट। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो जब आपस में बनेंगे तो वो एक जाइगोट बना देंगे। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। जब हम प्लांट्स में बात करते हैं तो हम जाइगोट की बात करते हैं, हम ह्यूमंस में बात करेंगे तो हम एम्ब्रियो की बात करेंगे। अ जाइगोट डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्या होगा कि वही जाइगोट जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से बना है, अब यहाँ पे वो जाइगोट काफ़ी दफ़ा डिवाइड होगा, क्या बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए। लेटर द ओव्यूल बिकम सीड एंड ओवरी फ्रॉम द फ्रूट ऑन राइपनिंग। अब क्या होगा कि वो जो ओव्यूल है वो सीड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और ओवरी जो है वो फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और जब वो ओवरी राइपेंड होगी तो वहाँ से क्या है कि हमें फ्रूट जो है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की, कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या पार्ट्स उस पर प्रेजेंट होते हैं। देर आर सीड्स इन साइड द फ्रूट्स। आपको पता है, अगर आप देखो कि आप पीच खाते हो, उसके अंदर आपको गुट्टी नुमा स्ट्रक्चर मिलता है, उसके बाद आप खाते हो अनार खाते हो, ये सारे जो आप फ्रूट्स जो हैं वो खाते हो उसमें आपको नज़र आते हैं डिफरेंट सीड्स। उस सबसे पहला पार्ट जो है वो सीड कोट है। जहाँ पे भी वर्ड आपको आएगा ना कोट का, फॉर एग्जांपल जब विंटर आता है हम कोट वेयर करते हैं ना। हम क्यों कोट वेयर करते हैं, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट विंटर कंडीशंस। तो यहाँ पे भी सीड कोट जो है, यहाँ पे भी सीड कोट प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। द सीड कोट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड। द सीड कोट हैज टाइनी होल्स कॉल्ड माइक्रोफाइल। अब इस माइक्रोफाइल से होता क्या है, इससे वाटर एंटर होता है इनसाइड। इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट और टाइनी एम्ब्रियो। इसका फंक्शन क्या है सीड कोट का, ये बेबी प्लांट को और जो एम्ब्रियो जो इस कंडीशन में अभी नहीं है कि वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सके, ये यहाँ पे सीड कोट उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं कोटिलीडन्स की। कोटिलीडन्स क्या है, कोटिलीडन्स को हम लोग सीड लीव्स का भी नाम देते हैं। ये होता क्या है कि ये सीड कोट के अंदर लाई करता है। ये भी गुठली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे गुठली होती है ना आम के अंदर गुठली होती है, इसी तरह ये गुठली नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये इसका मेन रोल जो है वो ये स्टोर करता है फूड को बेबी प्लांट के लिए, जब तक के वो एक न्यू प्लांट में ग्रो नहीं हो जाता। सीड्स ऑफ सम प्लांट सच एज बीन्स, पीज एंड ग्राम्स हैव टू कोटिलीडन्स। प्लांट्स सच एज राइस, मेज़ एंड वीट हैव वन कोटिलीडन्स। ये डिपेंड करता है कि आया वो मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है। अगर वो मोनोकोट प्लांट होगा तो उसमें एक कोटिलीडन होगा, अगर वो डाइकोट प्लांट होगा तो उसमें दो कोटिलीडन्स होंगे। आगे बात करते हैं रेडिकल एंड प्लूम्यूल। ये दो पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के। द प्लूम्यूल फॉर्म्स द न्यू शूट, द रेडिकल फॉर्म्स द न्यू रूट। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आगे फर्दर प्रोडक्शन शूट और रूट्स की कैसे होती है। प्लूम्यूल जो है वो न्यू शूट्स को जर्मिनेट करेगा, और रेडिकल जो है उससे नई रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।